Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So, guys, आज है बिग बॉस का फिनाले और वीडियो हम पहले ही बना रहे हैं ये वाली. और क्या बोलते हैं, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा बड़ी जिसमें एमसी स्टैन के सारे बेस्ट मोमेंट्स होंगे. और ये वीडियो होने वाली है जर्नी के ऊपर, एमसी स्टैन की, एमसी स्टैन कैसे शुरू कर रहा था और कैसे कैसे जो जो एमसी स्टैन के साथ जो बिग बॉस में हुए हैं, चाहे फनी मोमेंट्स हो, चाहे वो एटीट्यूड वाले हो एमसी स्टैन के, चाहे वो फिर क्राइंग मोमेंट्स हो, तो सारे के सारे इसमें डाल रहे हैं भाई. और क्या बनता है रात को भाई, टेंशन तो इसी चीज़ की है कि क्या होएगा. होप सो एमसी स्टैन जीते हैं भाई, पर आप सभी को पता ही कि उनका तो पर्पस रहेगा प्रियंका को ही जितवाना है उन्होंने, तो बाकी देखते हैं क्या होगा भाई. कलर्स का फेस है प्रियंका, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, वोटिंग होनी चाहिए लाइव या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पब्लिक को भी दिखे भाई. वहाँ पे जब वोट वाला ऐप है ना, जैसे वोट क्लिक करते हैं, वहाँ पब्लिक को भी दिखना चाहिए कि इसका एक वोट डल गया ऐसे ऐसे करके, कि लाइव रहे भाई सभी के सामने. तो पर ये चीज़ होती नहीं है, तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है. बाकी ये इन्जॉय करते हैं और देखते हैं एमसी स्टैन की सारी हम क्लिप्स, फाइटिंग, जो भी सीन्स है सारे. वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. सो इसको करते हैं हम प्ले. क्या हो गया है बोलना, बताना क्या हो गया. बहुत गलत तो इंगा पे हो. एक मिनट सुन, मैंने बिग बॉस को बोला है कि गुस्सा दिख रहा. सुन सुन सुन, मैंने बोला है बिग बॉस से बात की है, मैंने बोला है मैं टास्क में था, मैंने नहीं देखा उसे मारा या नहीं. पांच लोगों ने देखा है, आपके कैमरास में अगर देखा है, आप मुझे बताओ कि इस घर अलाउड नहीं है. ए, पहले से नहीं है, मेरे को आता नहीं बोले. अरे सुन तो ले यार, बिग बॉस वी वांट अ मीटिंग. किस बात पे? बड़ी बेस्ट है ये. मेरा नाम तो क्या, आधा शैतान आधा इंसान. देख रहे हो, हमारा सीजन होस्ट कर चुका हूँ, ऐसा आइटम पहली बार आया है. टाउन बेबी इसी स्टैन आई फील सिग्नल है. आई फील यू, आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू. दिस सो लाइक लुक, लुक एट दैट. मुझे डर है इन लोगों का, मुझे मेरी फिक्र है. वो कांप रहा था, उसके हाथ ऐसे शेक हो रहा था जब वो मुझे हग किया. मेरे हिसाब से तो स्टैन रहेगा एक नंबर पे. वोटिंग पे बिग बॉस जीता जाता है, तो वोटिंग पे है तो स्टैन का एक नंबर पे. जब भी मौका मिलता है मैं 100% फॉलो करता हूँ यार. एमसी स्टार एकदम कड़क है ना, वो मुझे बहुत सही लगता है. शालिन और एमसी की, एमसी स्टैन की लड़ाई हो गई. कौन कहता है कि लड़ने के लिए बॉडी चाहिए? हक वाली बात है. के लिए सिर्फ जिगरा चाहिए जो एमसी के पास है. अरे तो खड़े वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार. यार एक मतलब चीज का बुरा भी लग रहा है कि यार स्टैन नहीं, अगर नहीं जितवाया भाई स्टैन को, है ना, मतलब कि शो पॉपुलर हुआ, शो को देखने लगे भाई स्टैन की वजह से. बकवास शो था, कौन देख रहा है. नेहा भी स्टार्टिंग में यही कहती थी, हम रिएक्शन नहीं करते थे. नेहा भी स्टार्टिंग में, क्या यार क्या बेकार शो आया इस बार, मैंने देखना. बट भाई जब से एमसी स्टैन स्टार्ट हुआ भाई, ये शो मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे टीआरपी गई है. मतलब सबसे ज्यादा टीआरपी तो मेरे ख्याल से शहनाज वाले की होगी ना. हां सेकंड पे ये होएगा, है ना. और सिर्फ स्टैन की वजह से वहां पे, तो चलो हमारे पास सारे के सारे सारे ठीक थे वहां पे, है ना. बट यहाँ पे सिर्फ स्टैन की वजह से भाई बिग बॉस हिट हुआ. और ये बात बिग बॉस ने खुद भी कही है कि बिग बॉस स्टैन को पॉपुलर नहीं कर रहा है. हालांकि स्टैन भाई बिग बॉस को पॉपुलर कर रहा है, तो बिग बॉस को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई जेन्युइन रिजल्ट देना चाहिए. तो बाकी देखते हैं अब. स्टैन तो एकदम खो गया है, इसको बुलाना चाहिए भाई हर बार. वो अच्छा रैपर है,
सब लोगों के मनुष चेहरा देखकर उसका गला ही बैठ गया, अंदर का रैपर का पूरा रेप हो गया है। अरे इतना डायमंड पहन के घूम रहा है, हेवी नहीं है? बता दे कितने का है? 150 का रहेगा सर। प्रणाम करो। बिग बॉस में एमसी स्टैन गए हैं तभी मैंने उनको देखा है, उससे पहले मैं उनको फॉलो नहीं करती थी। आप हो कौन? और मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पता है, और मैं उनको नहीं जानती, तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बस जिस इंसान को मैं नहीं जानती मैं उसके बारे में कैसे बोलूं? बोलते ना कि स्टैन के बारे में हमें पता नहीं है, वो नहीं पता है, अब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो स्टैन को पूरा घोल क्या है, घोल के पी क्या है, वो लोग उनको पता है कि कौन से लेवल का बंदा है, उसकी क्या तगड़ी फैन फॉलोइंग है और कितना सही है दिल का वो बंदा। जाके तो लड़की रहती तो लाफ 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 चप्पल निकल के मार देता। इससे बड़े बड़े मारे आके दिखाना मेरे घर पे, मत मार घर पे, बाहर के दिखा, दिखाता ना मिलना, हाँ दिखाना जा, अभी तो कुछ नहीं उखाड़ सकता ना, तो तू जा, अबे तू मेरे को एड्रेस तो घुस के मारूंगा, निकल ले एक बार। ये महसूस करते हैं कि इस घर में अगर आप रहे तो आपकी जान को खतरा है। एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी बात मत कर मेरे साथ, कुछ भी मत बोल रहा है, एटीट्यूड वर्ड भी आप बोल रहे हो। ओ एमसी छोड़, क्या तू मारने आ रहा मेरे को? मैं मारने आ रहा हूं। ये मत कर यार, पिक इन पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में, so I think this can be three from like उन तीनों में से एक आ सकता है, या अब्दू आ सकता है। यार पूरा देश प्यार करता है, लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना, मैंने हाँ मतलब सब पहचानते हैं उसको, तो after all Big Boss is all about किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। अच्छा हाँ जी दिखाइए कमेंट्स। वाह भाई 80,000 का जूता, इससे फोन भी हो जाता है क्या? मुंह पे तू जरा पानी की कसम समझा? अरे वो शानी लड़की है ये, अपनी माँ की कसम से पता जिगरा है तू, पता जिगरा बिगरा नहीं डबल है तुम। सुन अभी जो तूने बोला ना, दोबारा बोल भी मत दियो, यहीं से उठाऊंगी यहीं से फाड़ दूंगी मैं। ये दिखाओ इसके स्टैंड है ना, ने बहुत बड़ी गलती करे लड़की, नकली है लड़की, चाटो उसकी। चलो ऐसा करने गए क्या फिर? ऐसा करने गए क्या ब्रो? फिर ऐसा करने गए क्या? लाइन में खड़ा है सर भाई, उधर को उधर, चलो चलो सर, सर भाई इंसान में शेर नहीं है, कुत्ता नहीं है, जानवर के नाम ले रही, के नाम ले रही, उसका भी सर उससे नहीं है, छपरी चाली मैं भी कर सकता, बट गलत है ना? गलत है, गलत सही क्या? तू क्या बिग बॉस है क्या? शेमड़ी तेरी माँ हूँ मैं, तेरी माँ हूँ मैं, आंटी है तू, आंटी है तू, चुप रह सर, शेमड़ी भोग मत जा। तेरी शक्ल देखी क्या एक्टिव है, जैसे तुझे नहीं पता कितने लोग शीशन जैसा मुंह इसका, शेमड़ी तेरी माँ हूँ मैं, आंटी है तू, चुप रह। अब जो भी घर वाला प्रियंका को नॉमिनेट करना चाहता है वो अपने सामने मौजूद बजर को दबाए और अपना हाथ उठाकर इस बात का संकेत दे कि उसने बजर दबाया है। ओह माय गॉड मंडली वाह, रुक रुक मैं बाकी है, देख इधर डॉन बाकी। ये मुंबई वाली हूं, छोटे फूल छोटे ग्लास पानी के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता, फूल छोटे
ऐसा तू शीशन जैसे मुंह की कितने लोग शीशन जैसे मुंह है इसका। आप हर रूम से अपनी पसंद का एक खाने का सामान उठा सकती हैं और मैं आपको दो दूध की थैली मैं यहाँ से भिजवाऊंगा आपके लिए। करना ये है एमसी स्टैंड को कन्विंस करना है 80,000 के वो जो जूते हैं वो आपको देने। सुन ना मेरी आंखों में देख, आंखों में एमसी स्टैंड आंखों में मत देख। बुबा देख रही है आंखों में। बुबा बोल रही है तेरे को शोभा नहीं देती। अरे कहा दो दूध की थैली में दे दो मेरे को मिलो तुम पूरे दूध देता तुमको। सिगरेट पीना सीखारी इधर दिखा दे लाइटर सिखा रहे तू भी सिखा दे। अरे केले तेर से बात नहीं कर रहा। फोड़ डालूंगा सब लाइटर मैं स्टाइल से देती हूँ इसी के स्टाइल से फोड़ डालूंगा सब लाइटर। फोड़ के दिखाना दिखाता। हाँ चल किधर चलू चल जाना तेरे अंकित के सामने ये सब बातें बोल रही क्या। चल मेरे को गाय को लेके आ रही है तेरे केले को लेके जाना मेरे को गाय को लेके आ रही है। मैं तो इरिटेट कर दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या तुझे उसको लेके जाना। मैं जिसको लेकर जाऊंगी ले जाऊंगी तू तो मेरे को क्यों बोल रही चल मेरे को मत बोल चल मेरे को मत सिखाओ। सिखा रही हूँ सिखाऊंगी रुक जा। मजदूर को खोदना मत सिखाओ। सिखाऊंगी ना सिखाऊंगी वो पोपट को सिखाओ इधर नहीं वो इधर चलेगा उधर सिखाओ। ठुमका लगाऊं यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं नाच के दिखाऊं गोरी नाच के दिखाऊं नाच के दिखाऊं। चश्मे कहाँ से लिए इन्होंने दिखाऊं ये पहली बार करा मैंने मालूम है पहली बार। अच्छा भाई हमें अभी तक ये लाइव शो नहीं मिला यार इस पे रिएक्शन करना कब से कह रहा हूँ मेरे को बता दो। पर ये वही है जो हमने देखा है। नहीं है यार ये वो हमें तो दिखी नहीं इसमें ये क्लिप भाई है तो वही लग रहा है ना वो रोहित झिंझूर के खड़ा हुआ है ना वो जगह हाँ ना पर हमें ये दिखी नहीं भाई क्लिप कहीं भी। चल भाई लोग डरो वीरो मत भाई मत हाँ नहीं नहीं इतने से आते हैं चार पट्टी दिख रही है डेढ़ लाख में एड़े हो गए क्या तुम एड़े हो गए क्या बोल रहे हो बट अगर वो बोल रही है कुछ ही पादरे बात कर रहे तुम ये कितने का है फिर बहुत में ये नहीं चे 5,000 का हो ये पागल है ब्रो सही में मालूम क्या जो उसने मंदे बैठे बैठे कुछ ही बात करी मेरे भाई जिगर है मैं कॉलेज जाऊं मैं वो खाती हूं बचपन में आया है मैंने छोटा सा मैं उसने मेरे को गाली नहीं दी भाई मेरी सबसे फेवरेट क्लिप है ये वाली मैं कू खाती हूं देखना एमसी को देख बहुत में ये नहीं चे दोबारा बोल भी मत दियो यहीं से उठाऊंगी यहीं से फाड़ दूंगी मैं समझा ना मैं ऐसे बोल मुझे अरे तमीज में बात कर लड़की हूँ मैं लड़की समझा ये दिखो अच्छा उसके साथ बीएच कर रहे थे इसके स्टैंड है ना ने बहुत बड़ी गलती करे लड़की नकली है लड़की तेरी तरह गाली नहीं दी उसने समझा मुझे चाटो उसकी चलो ये करो अच्छा है ब्रो तूने अच्छा करा था उस दिन ब्रो उसने नहीं दी मेरे को लाफत देने वाली बात थी नहीं कहता लाफा दे पत्थर घर में एक नए शख्स के आने का रिएक्शन है यानी इस सीजन का पहला वाइल्ड कार्ड आई सॉरी वीडियो है ना क्या दूजी कैसे दिखेगा कैप्टन इसने अभी तक आज तक नहीं करी कैप्टन अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी अरे तू मत कर तूने कुछ भी नहीं करूंगी अब कर ले अब पाड़ ले तू तेरे अभी किससे तो फिर हो जाएंगे इससे मेरे को मत बता शेमड़ी अरे उसकी बीमारी है तो मेरे को तो मीनिंग मालूम है तो तू इस दुनिया को बता के शेमड़ी क्या है तो शेमड़ी शेमड़ी है सर मेरे को नंबर 5 पे लगती नहीं क्या प्रियंका शेमड़ी सर उसके बाद में मेरे को नंबर 4 पे अर्चना लगती शेमड़ी सर मतलब है सर मैं शेमड़ी हूँ सर उधर से जो अड़ाइल है शेमड़ी नहीं क्या मैंने उसको बोला था सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है जाएंगे शेमड़ी नहीं क्या एंडिंग तक सर रावस एंटरटेनमेंट कर रही हो और नहीं क्या नंबर 2 पे मेरा भाई नहीं क्या सर मेरा भाई शिव शेमड़ा
तुमको लगेगा मैं बहुत खेले ले पहले Stan, yes, sir. अगर तेरे सामने तेरे बैग से पैसे या चेंज निकाल के भाग जाता है तो तू क्या करेगा? और आप सुनने आप पहले डिसनी बोल रहे मत करो मत करो मत करो मत करो अब मैं रैप की तरह बोल रहा हूँ मत करो मत करो मत करो लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो ले जाते हैं आप क्या करते हैं स्टैन व्हाट द हेल वुड यू डू अगर सर मेरे सामने सर अगर लड़की रहती तो मैं उसको समझा रहता और दंड दिया रहता लाइक अगर लड़का होता तो लड़का और रहता तो मैं बस्ती का हस्ती ब्रो आ गए ले भाई लोग अभी गलती लो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तरीका है जल्द से जल्द पैसे कमाने ऐसा कोई स्कीम बताओ जिसमें 25 दिन में पैसे डबल किया जाता है करो या फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती करो उससे पैसे स्टैन को पटाओ भाई और आपने ये स्कीम बताई भी तो स्टैन को जो 1.5 करोड़ की चेन का ऑलरेडी मालिक वो भी एक चेन थी बाकी गिनी किसने मेरे बच्चे ने इतनी मुसीबतें उठाई इतना सब कुछ देखा है उसने फिर यहाँ तक पहुँचा वो अपने अकेले के दम पे पहुँचा है चार डन आएगी इसकी वरना मैं गुस्से मेरी कमजोरी है कि मैं दिल की बात बोल डालता मतलब मैंने देखा था प्रियंका और अंकित के टाइम पे जब अंकित को और प्रियंका को मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर मैंने उसको बोल दिया था दिल की बात मेरी कि मेरे को बस इधर मन नहीं कर रहा है वो तो उसको हथियार बनाया सलमान भाई ने भी गाली दिए थे बोले ना कुछ तो भी सलमान भाई को बोले ना सर को नहीं बोल क्यों नहीं क्यों नहीं साजिद सर कौन है भगवान साजिद सर क्या बोला तूने फिर कौन है जो है देख कंटेस्टेंट है मेरे लिए सलमान भाई भगवान है कंटेस्टेंट है मेरे लिए इंसान है सलमान भाई पादरी बात मत करो भाई लोग ये लोग मत करो नहीं नहीं अभी और सुनिए जाते हैं जो टीचर होते हैं गुरु होते हैं तो तुमको समझ में आना चाहिए ना एक फाइल रखी है इसमें शो का फ्लो है आपके कुछ सॉन्ग्स हैं उनके लिरिक्स भी हैं वाओ वाओ एमसी स्टैन इनवाइट सीधे मोर देन गुटका व्हाट बोलता राडे कंफर्म राडे देखो कैसा परफॉर्म करता है बॉस या बिग बॉस आई एम एंजॉयिंग लाइक मैं फुल इन्वॉल्व हो गया अभी गेम के अंदर और लाइक मेरे को अब भी जाके मजा आ रहा बिग बॉस शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है मैं तुमको क्या बोल के गया था कि 2-3 हफ्ते में आता नहीं वापस क्या मालूम है तुम्हें तेरे फैन लोग तुझे निकलने नहीं दे रहे बहुत मतलब बहुत प्यार कर रहे तुझे बाहर इतने इज्जत कर रहे इतना प्यार कर रहे मैंने निमृत को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत मतलब सिस्टरली वाइब आई थी मेरे को फुल ऐसे लगा मैं क्या बोलते बकवास मत कर कौन सा कैरेक्टर वाला मुझे पहने थे तूने अरे मजा नहीं नहीं अच्छा ठीक है बिग बॉस में टीना को नॉमिनेट करना चाहता सीधा सीधा कारण ये कि मेरे को लगता शॉक मत हो रुक जरा थोड़ी देर पहले मैंने उसका रीजन सुना कि नहीं क्या तू मंडली में बैठती इसको बोली ये शायद से सैड थी अर्चना गुमसुम घूम रही थी इसलिए उसको बुला के बिठा उसको बोले कि तू मंडली में नहीं तो हमारे में सिर्फ बैठने आई लीडर तो हाँ पर तुमने जो बात बोले वो मेरे को हर्ट हो गई बात हर्ट करी फिर से उसने आज मैंने छोड़ डाला ना प्यार इतना गहरा उसको मस्ती करी एक वैक्सिंग चेयर उस पे जरा इनको बिठा दिया जाएगा और बाकी जो सदस्य हैं उनसे सवाल पूछेंगे और अगर जो चेयर पे है उसने जवाब हाँ दिया तो वैक्स अर्चना आपका सवाल है क्या स्टैन को और कपड़े चाहिए बुआ के हाँ
मुझे ऐसा लगता है कि हाँ स्टैंड रेडी है सर बहुत बाल है मेरे हाथ पे नहीं करना कुछ हाथ पे ये सही में कर रही है टास तो पूरा करूंगी भैया मैं अब मुझे लग रहा है वैक्सिंग का काम तो तुम ही करोगी सवाल अलग अलग आए अरे ओ चिपक गया नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा हमने करा अगर निकला ना मैं तेरे पूरे मुंह की वैक्सिंग करेंगे देख फिर अरे अंदर से कलर ही अलग निकला इसका चमचे क्यों बोले तुम लोग ने चमचे क्यों बोले अरे संस्कृति एंड कल्चर एथिक्स ये सब मेको मत बताओ मैंने पढ़ के और खरड़ के काटेला है बात मत करो बड़े बड़े रुका आए दो मिनट में अभी वापस से हर वीकेंड के बारे में बोलूंगा अभी मेरे को जीतना है सॉरी अभी मैं बहुत देर से इन्वॉल्व नहीं था मैं हर बार बोलूंगा नहीं का मुझे ट्रॉफी चाहिए मैं बचपन से सपना देख रहा था बिग बॉस का अब जाके पूरा नहीं उसको बोल उसको बोल उसको बोल तू कैप्टन था दम है दम है दम है तो बोल के दिखा दम है तो बोल के दिखा चल दम है तो बोल के दिखा दम है तो बोल के दिखा अरे अरे तुम्हारी इससे पट्टी है पट्टी है तुमने झाड़ू नहीं लगाई भैया तेरे बाप का नौकर एक है ऐसे अच्छा मेरा बाप बिग बॉस है उसका तेरा बाप है बिग बॉस बिग बॉस और बिग बॉस और तेरी मॉम का ही हो गया क्या भूल गए इसी बात करू मेरे साथ चिप मत जा मैं भी बहुत चिप जाएंगा चल शानी बन लेट्स टेक अ लुक एट एमटी स्टैन जर्नी इन बिग बॉस 16 स्टैन जब स्टार्टिंग में बिग बॉस में एंटर करा था वो बहुत शाय था जहाँ पर बाकी सारे कंटेस्टेंट बिग बॉस को उनके करियर ग्रोथ की एज एन अपॉर्चुनिटी मान रहे थे वहीं पर स्टैन वाज ट्राइंग टू एडजस्ट इन दिस न्यूली फोर्स एनवायरमेंट बाकी सारे कंटेस्टेंट्स अपने ग्रुप बनाने लगे टू गेन द पावर इन द शो बट वहीं साइड में अब्दू साजिद एंड स्टैन का ऑर्गेनिक बॉन्ड डेवलप होने लगा बट बहुत एविडेंट था कि स्टैन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है उसकी शिफ्ट से लड़ाई हुई बट बिग बॉस को भी पता था व्हाट स्टैन ब्रिंग्स टू द टेबल स्टैन को मोटिवेट करने के लिए बिग बॉस ने स्टैन को उनकी गर्लफ्रेंड की टी शर्ट भेजी और उनके पेरेंट्स की पिक्चर भेजी एंड स्टैन का एटीट्यूड वहां से पूरा फ्लिप हो गया सडनली स्टैन ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया बट ये होते ही नेक्स्ट डे स्टैन की शालीन से लड़ाई हुई एंड फाइनली न्यू ईयर पर बिग बॉस के घर में स्टैन का कॉन्सर्ट हुआ एंड फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट्स ने स्टैन का स्टारडम फील करा बट कॉन्सर्ट होने के जस्ट बाद अर्चना ने स्टैन से उनके गानों में गाली होने पर लड़ाई करी एंड बहुत ही एविडेंट था दैट शी वाज ट्राइंग टू पुल हिम डाउन फॉर नो रीजन बट स्टैन की चाहे जितनी भी लड़ाई हुई वीकेंड के बारे में ही ऑलवेज केम आउट एज अ एंड ओवरऑल स्टैन ने अपने नो नॉनसेंस एटीट्यूड एंड अपने रियल पर्सनालिटी को दिखाकर पूरे इंडिया का दिल जीत लिया इट्स नॉट जस्ट कि स्टैन डीएचएच को रैप कर रहा है इसलिए आई वांट हिम टू विन बट स्टैन बाकी सारे कंटेस्टेंट से ज्यादा रियल रहा है एंड बिना मैनिपुलेशन के खेला है इसलिए उसको हक से जीतना चाहिए अगर सोशल मीडिया एंगेजमेंट को देखा जाए तो स्टैन फॉर श्योर बिग बॉस का विनर बनेगा और अगर नहीं बना तो यू नो द रीजन बस 3-4 दिन बचे हैं इसलिए मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टैन को वोट करो एंड बिग बॉस की ट्रॉफी फर्स्ट टाइम डीएचएच में लाने में हेल्प करो प्लीज फ्री टाइम बेबी तो गाइस ये थी वीडियो और ये थी एमसी स्टैन की जर्नी की कुछ क्लिप्स और गाइस ये थी एमसी स्टैन की जर्नी की कुछ क्लिप्स इसके बाद वाली वीडियो आएगी जो थोड़ी सी बड़ी होगी ना इससे भी बट वो बहुत ज्यादा एंजॉयबल होगी वो मतलब सारे के सारे मोमेंट्स जो कि हम रिएक्शन पहले कर भी चुके हैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेकिन हम सारे इकट्ठे करेंगे तो भाई अब टेंशन है रात की कि क्या होगा भाई ये समझ ही नहीं आ रहा कि एमसी स्टैन जीतेगा कि नहीं बस यही टेंशन है भाई एमसी स्टैन शिप में से भी कोई जीत जाए ना हाँ। तब भी कोई टेंशन नहीं अच्छा जैसे इस बार हुआ बिग बॉस में कि ग्रुप्स बन गए मंडली और वो समथिंग हर बार बनते हैं शिनाज उनके टाइम पे ऐसा नहीं था मेरे ख्याल से ग्रुप ऐसे फिट हो जाते थे इस बार बना कि ग्रुप्स ग्रुप्स का मंडली इस बार ही बनी मंडली इस बार बनी है और भाई मंडली के दो सदस्य रह गए हैं और वो तीन है ना पांच है ना टोटल दो तो खुद गए थे ना बाहर नहीं हुए थे कौन से दो साजिद और अब्दू वो तो खुद ही गए थे उनको तो वैसे खुद ही जाना पड़ना था क्योंकि साजिद आया था अपनी वहां पे पर्सनालिटी बनाने के लिए डेवलप करने के लिए अगर वो बाहर जाता तो फिर वो खुद ही उसने एक्सीडेंट ले ली और अब्दू को भी उन्होंने खुद ही दे दी कि इनकी जो भी फैन फॉलोइंग है या जिनका वो है वो डाउन ना हो कि हार के गए समथिंग बाहर निकालने वैसे करके तो वो दिमाग लगा था और अब बचा उनको ना प्रियंका शालिन और अर्चना और स्टैनशिप बस पांच है यार उस दिन तू कह रही थी वो बैग लेने वाला बैग किसी ने उठाया था वो वाला अभी कहाँ उठाएंगे फिनाले पे उठाएंगे फिनाले पे होता है हाँ फिनाले पे होता है वो वाला सीन तो बाकी देखते हैं भाई कि क्या रहता है वो सीन और वेट करते हैं फिलहाल रात का तो बाकी तो फिलहाल गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में